नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों, आप आर्टिकल को ऐसे कभी भी पहले नहीं पढ़े होंगे जिस तरह से आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से हम एक एक पॉइंट करके आर्टिकल्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आर्टिकल जब कभी भी हमें जानना होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा आर्टिकल कहते किसे हैं या आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल हमारे कुछ डिटरमिनेंट ग्रुप होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को डेकोरेट करने का कार्य करते हैं। आर्टिकल्स जो है कि हमेशा नाउन के पूर्व ही इस्तेमाल करते हैं, नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज अ बुक, मीन्स बुक के पहले, बुक हमारा क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले ए लिखा हुआ है। द अर्थ इज राउंड, मीन्स आप अर्थ के पहले द देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट इज एन ऑरेंज, ऑरेंज एक नाउन है, उसके पहले एन आप देख रहे हैं। हियर is the ink I want, means ink हमारा noun है और इसके पहले हम the देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई noun होगा तो हम हमेशा a और n का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब कभी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के हमारे आर्टिकल आते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसमें टी एच ई द आता है, जिसे हम दी भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। साथ ही जो है कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें ए और एन आते हैं, जिसका अर्थ एक या कोई होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम आर्टिकल कहते किसे, इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए साफ साफ अक्षरों में डेफिनेशन लिखी हुई है। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि आर्टिकल होता क्या है, फिर भी अगर आप जो है कि लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। मैंने पहले बता दिया कि आर्टिकल हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। That or used before noun, उन्हें हम किसी भी noun के पहले प्रयोग करते हैं। तो articles की बात हम जब कर रहे हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे determiner होते क्या हैं। ठीक है, जैसे articles के अलावा कुछ अन्य मुख्य determiners होते हैं, जैसे my, your, this, that, these, those, some। दोस्तों, हम पहले ही बात कर चुके हैं आर्टिकल के डेफिनेशन की। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अक्षरों में और इसका अर्थ वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता दूँ। आर्टिकल्स आर मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स दैट आर कॉल्ड दैट्स और यूज बिफोर नाउन। तो चलिए, आपने इसका अर्थ समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल के अलावा और भी कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वाक्यों में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स के अलावा कुछ अन्य मुख्य डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे माई, योर, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, ईटीसी। उसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट में द हमारा होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होते हैं। तो चलिए, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हम आपको मोटी बात अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें आप कि एग्जैक्टली हम मीन्स डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते कहाँ हैं। तो दोस्तों, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ना परेशानी की बात है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जब कभी भी हम कहीं भी ए और एन लगा हुआ देख रहे होते हैं तो तुरंत हम जान जाएंगे कि ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, और कहीं अगर द लगा हुआ है तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल हमारा सिर्फ एक होता है, वह द है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन होते हैं। ठीक है, ए और एन का जब हम यूज़ करने की बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा वो सिंगुलर नाउन के पहले ही प्रयोग होता है, मतलब कोई एक सिंगल चीज़ के ही पहले इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कभी भी हम द की बात करते हैं तो वह हमेशा कोई फेमस या कुछ खास तरह की चीज़ होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे देखिए, या कहीं पर हम वही के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ बॉय, यहाँ पे किसी एक लड़के की, कोई एक लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अ लगा दिया गया है। जब कभी भी हम कोई भी
नाउन, दोस्तों ये जरूर याद रखना चाहिए आपको कि जब कभी हम किसी नाउन की बात कर रहे होते हैं जिसके पहले हमें आर्टिकल ए या एन यूज़ करना है, तो अब क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ आती है कि हम ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम देखते हैं कोई भी नाउन अपने वॉवल साउंड से प्रोनंसिएट किया जाए, बोला जाए, ठीक है, पढ़ा जाए, तो वहाँ पर हमें एन लगाना होता है। और जब कभी भी कोई भी नाउन अपने कॉन्सोनेंट साउंड से, मीन्स व्यंजन ध्वनि से बोला जाए या पढ़ा जाए, तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। जैसे देखिए, दिस इज अ बॉय, बॉय मीन्स ब से साउंड हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट हमारा है, इसलिए ए लिखा है। लेकिन जब एग कहते हैं, मीन्स इट इज एन एग, तो यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। इसको समझना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ कि अगर हम अगले एग्जांपल में डेफिनेट आर्टिकल को देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं, ये भी आप देखें कि दैट इज़ द पेन, यह वही पेन है आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए, मतलब जो मैं चाहता हूँ यह वही पेन है, वो वही वाली पेन है। तो यहाँ पर देखिए, द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये वाक्य में यूज़ होता है तो ये अपने आप अपनी मीनिंग बना लेता है। सो दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही जो है कि हम अभी बात कर रहे थे इसके पहले कि हम कहाँ पर द लगाएं पढ़ें और कहाँ पर हम दी पढ़ें, तो उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब कभी भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे तो वहाँ हमें हमेशा द पढ़ना है, और जब कभी भी हमारे वॉवल साउंड आएंगे तो वहाँ हमें दी पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द एंट, दैट इज द ऑक्स, इट इज द एग। लेकिन जब कभी भी यहाँ कॉन्सोनेंट नाउन होते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन होते हैं जो प्रोनंसिएट किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, मेरा कॉन्सोनेंट के नाउन से मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो लिखने से मतलब हो, लिखने से नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो कि लिखे तो जाते हैं कॉन्सोनेंट से, बट उनके प्रोनंसिएशन हमेशा जो है कि हमारे वॉवल साउंड से होते हैं। तो इसलिए लिखने से हमारा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट हमारे बोलने की ही बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय, ठीक है, यहाँ पे द बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड को बोला जा रहा है। फिर दैट इज द कार, ठीक है, इट इज द पेन। तो आपने देख लिया होगा कि द और दी हम कहाँ बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिनको हम अलग अलग करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें खूब अच्छे से समझ में आई होंगी। और आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिससे हमारे 3 से 4 नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। साथ ही जो कि किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की बात करें जिसमें हम पैराग्राफ सॉल्विंग की बात करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी की बात करते हैं, तो फाइनली हमें द का बहुत अच्छे से, ए एन का बहुत अच्छे से यूज़ पता होना चाहिए। और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ना ना भूलें, इसलिए क्योंकि दोस्तों हम ये प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।